नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपको भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया पहला वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने मात्र 400 लाइक्स का रखा है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे श्रृंखला का पहला और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया। इस खेले गए रोमांचक पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के नए कप्तान बने रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और वेस्टइंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से वेस्टइंडीज के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। शे होप और ब्रेंडन किंग के कंधों पर वेस्टइंडीज की टीम को बढ़िया ओपनिंग शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज के उम्मीदों को शुरुआती ओवरों में एक बड़ा झटका दे दिया। पारी का तीसरा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज के ओपनर बल्लेबाज शे होप को क्लीन बोल्ड कर दिया। शे होप 10 गेंदों में बस 8 रन बना पाए। वेस्टइंडीज को शुरुआती ओवरों में लगे इस पहले बड़े झटके के बाद बल्लेबाजी करने आए वेस्टइंडीज के अगले बल्लेबाज डेरेन ब्रावो और ब्रेंडन किंग में थोड़ी देर के लिए वेस्टइंडीज की पारी को संभाली, लेकिन फिर पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए वॉशिंगटन सुंदर ने वेस्टइंडीज की टीम को दो बड़े झटके दे दिए। जी हां, पहले तो इस ओवर की दूसरी गेंद पर ब्रेंडन किंग को वॉशिंगटन सुंदर ने सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कराया। ब्रेंडन किंग 26 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सेट हो चुके ड्वेन ब्रावो को सुंदर ने LBW आउट कर दिया। ब्रावो 34 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। पर यहां से भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का मौका ही नहीं दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए निकोलस पुरना और शेमार ब्रूक ने वेस्टइंडीज की पारी को संभालने की कोशिश करी, लेकिन भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने पारी के 20वें ओवर में फिर से वेस्टइंडीज की टीम को दो बड़े झटके दिए। पहले तो निकोलस पुरन और उसके बाद वेस्टइंडीज के सबसे बड़े बल्लेबाज और कप्तान कायरन पोलार्ड को उनकी पहली ही गेंद पर युजवेंद्र चहल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। पोलार्ड तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जेसन होल्डर और फैबियन एलन ने मिलकर वेस्टइंडीज की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी एक अहम मौके पर बनाई। लेकिन फिर अंत में फिर से भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की और इस पहले वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज की पारी को 176 रनों पर ही रोक दिया। उसके बाद वेस्टइंडीज से मिले 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में आए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और उनके साथ ईशान किशन भारतीय पारी का आगाज करने मैदान में उतरे। इन दोनों ने आते ही आते बड़े बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। दोस्तों खास करके भारतीय टीम के कप्तान बने रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की बुरी तरह धुलाई कर दी। वेस्टइंडीज का कोई भी गेंदबाज इन दोनों की साझेदारी को तोड़ने में पूरी तरह असफल दिखाई दे रहा था। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 84 रनों की एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी भारतीय टीम के लिए बनाई और यहां से भारतीय टीम के जीत साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। इसी बीच भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन एक बड़े मौके पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा। पारी के 14वें ओवर डालने आए अलजारी जोसेफ ने भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को LBW आउट कर दिया। रोहित शर्मा 51 गेंदों में 60 रन बना पाए। जी हां दोस्तों, तो वहीं इस ओवर की 5वीं गेंद पर भारतीय टीम के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज यानी विराट कोहली को अलजारी जोसेफ ने फैबियन एलन के हाथों कैच आउट कराया। विराट कोहली बस 4 गेंदों में 8 रन बना पाए। अब यहां से भारतीय टीम जरा दबाव में दिखने लगी थी, क्योंकि भारतीय टीम के दो दिग्गज और बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे। इसके बाद ईशान किशन का साथ देने ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने मैदान में आए। इन दोनों ने थोड़ी देर तक संभली हुई बल्लेबाजी करी, लेकिन फिर पारी के 17वें ओवर में ईशान किशन एक खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। ईशान किशन 36 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं तुरंत बाद ऋषभ पंत खराब नसीब के शिकार बने और रन आउट हो गए। ऋषभ पंत 9 गेंदों में बस 10 रन बना पाए, लेकिन फिर उसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव और दीपक हुड्डा ने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। दीपक हुड्डा जो इस मुकाबले में डेब्यू कर रहे थे और
अपने क्रिकेट करियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे थे। उन्होंने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और भारतीय टीम की इसी बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत इस पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज़ की टीम को मात दे दी और इस 3 मैचों की वनडे श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस पहले वनडे मुकाबले का असली मैन ऑफ द मैच कौन है, युजवेंद्र चहल या रोहित शर्मा? आप अपनी राय नीचे कमेंट में हमें ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।